प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में आउटसोर्स पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी जो है वो पार्टी हर्ष महाजन प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्स कंपनी बनकर रह गई है। प्रेम कौशल ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का राजनीतिक ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है, और अगर बात लोकसभा चुनावों की करें तो फिर भले ही 4 सीट बीजेपी ने प्रदेश में जीत ली है, लेकिन जयराम ठाकुर के ही गृह विधानसभा क्षेत्र में 48,000 की लीड केवल 14,000 तक सीमित होकर रह गई। उचित नहीं समझा, जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के मसलों से, हिमाचल प्रदेश के लोगों की दिक्कतों से, और हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, जो आज हिमाचल प्रदेश की स्थितियां हैं आर्थिक तौर पर, जो आज परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है, जिस तरीके से हम आज कर्ज लेने को मजबूर है, बिना कर्ज के जो है प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन स्थितियों से प्रदेश को कैसे निकालें, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी की ना कोई सोच थी, ना कोई सोच है, ना इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी चर्चा करते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध राजनीति करना चाहती है, राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे में हिमाचल और हिमाचल की समस्याएं और हिमाचल की दिक्कतें न थी न है। आज हिमाचल आर्थिक तौर पर जहां पहुंचा है, इस स्थिति में पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो जयराम जी की सरकार है, जिस सरकार ने डबल इंजन का रोना रोते रहे 5 वर्ष के, हमारी 2 इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने हुआ क्या कि एक इंजन प्रदेश को इस तरफ खींचता रहा और दूसरा इंजन प्रदेश को इस तरफ खींचता, विपरीत दिशाओं में जो है उस प्रदेश को ये 2 इंजन जो है वो खींचते रहे, और नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तौर पर इतनी दुर्दशा कर दी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि आज हमारे पास कई ऐसे मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के लिए जहां सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, वहीं कुछ सख्त निर्णय भी लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पिछले 1.5 वर्ष में भी यही रहा कि हम किस तरीके से इस सरकार को गिराएं और खुद सत्ता में। वास्तव में ऐसी राजनीति हिमाचल प्रदेश में पहले कभी हुई नहीं, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन जिसको जनादेश सरकार चलाने का मिलता है उसने सरकार चलाई, जिसको जनादेश विपक्ष में बैठने का मिलता है उन्होंने विपक्ष में बैठ के विपक्ष की राजनीति की। ये पहला अवसर है कि जिन लोगों से कुर्सी चली गई, जिनको लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, वो उस जनता की उस भावना का सम्मान नहीं कर सके, और आज भी ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इनके ऊपर भी जिस तरीके की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आ रही है, एक तो